फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक एमटीआर राइस इडली एंड कोकोनट चटनी। लेट्स स्टार्ट। राइस इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रख रहे हैं। ये है फर्स्ट वाटर, सेकंड है राइस इडली पाउडर, थर्ड है कर्ड। आप जितना राइस इडली पाउडर लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपको वाटर लेना है, लेकिन उससे हाफ क्वांटिटी में आपको कर्ड लेना है और इन तीनों को मिक्स करके बैटर रेडी करना है। हमारा इडली का बैटर रेडी है। अब मैं इसे डालूंगी इडली स्टैंड में। इडली स्टैंड में डालने से पहले मैं करूंगी ऑयल की ब्रशिंग। ये ब्रशिंग हम इसलिए करते हैं ताकि इजीली इडली रिमूव हो सके। बैटर को मैंने यहाँ स्टैंड में डाल लिया है। अब मैं एक कंटेनर लूंगी। कंटेनर में मैं 1 कप पानी लूंगी और इसमें मैं एक एक्स्ट्रा स्टैंड रखूंगी। स्टैंड रखने के बाद मैं इसके अंदर इडली रखूंगी और इसके को कवर को मैं कवर कर दूंगी। इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में 7 मिनट्स के लिए। कोकोनट चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। फर्स्ट यहाँ है कोकोनट। ये मैंने 1 कोकोनट लिया है। ये वाटर है, ये लेमन, करी लीव्स, पीनट्स, जिंजर, प्लस इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली ली है, ड्राई रेड चिली, सरसों, सॉल्ट। कोकोनट को मैंने ब्लेंड करने के लिए जार में डाल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर और ग्रीन चिली। इसके अंदर हम और ऐड करेंगे पीनट्स, लिटिल बिट वाटर और इसको हम करेंगे ग्राइंड। यहाँ मैंने कोकोनट को ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और मैं इसमें स्क्वीज करूंगी लेमन। और अच्छे से मिक्स कर दें और इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी तड़का। तड़के में मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सरसों और इसके अंदर मैं डालूंगी रेड ड्राई चिली, थोड़े से करी लीव्स। इसे अच्छे से मिक्स कर दें, फ्लेम कर दें बंद और इसको हम डालेंगे अपने कोकोनट चटनी में। कोकोनट चटनी हमारी रेडी हो गई है, हमारी इडली भी रेडी हो गई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इडली कैसे निकालते हैं। 7 मिनट्स हो गए हैं, इडली को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि इडली हमारी प्रॉपर अच्छे से पकी है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ नाइफ यूज़ कर रही हूँ। नाइफ को मैं इसके अंदर डालकर देख रही हूँ। अगर मेरा नाइफ क्लीन बाहर आएगा, देखिए मेरा नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इट मीन्स हमारी इडली अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे। Now my idli and coconut chutney is ready. Thanks for watching my video. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.